जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञानम डिफेंस। जी पिछले सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो जनरल अवेयरनेस के थे और पिछले पेपर में पूछे गए थे। हम इस चैनल पे अलग अलग पेपर्स को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको ज़्यादा फायदा पहुँचाया जा सके, आपकी तैयारी और पुख्ता की जा सके। तो उसी सीरीज में आज हमने क्या कहा, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो नेवी डबल ए और डबल एस आर में पूछे गए थे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इंग्लिश का क्वेश्चन है गाइस, पहला कहता है कि आपको क्या करना है, आपको यहां पे करना क्या है कि आपको यहां पे सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाला दूसरा वर्ड यानी एक सिनोनिम आपको बताना है, ठीक है जी, आपको एक सिनोनिम बताना है। अब देखिए हजार्डियस, हजार्डियस यानी क्या होता है, जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो। तो सेफ तो भाई सुरक्षित है, सिक्योर भी सुरक्षित है, श्योर होता है निश्चित, लेकिन हैप हजार्ड क्या होता है, वो हजार्डस का सही दूसरा भाई है यानी दूसरा मीनिंग वाला वर्ड। तो हजार्डस का जो सिनोनिम बनेगा गाइस वो क्या बनेगा, आपका हैप हजार्ड बनेगा। अब अगर मैं कहता हूं एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव यानी क्या, थका देने वाला। एग्जॉस्टिव क्या होता है, जो किसी को थका दे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम थकाने की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही वर्ड है जो थकान की बात करता है और वो है फटीग। फटीग भी क्या होता है गाइस, थकान। एग्जॉशन होता है थकान और फटीग भी क्या होता है, थकान ही होता है, ठीक है जी। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एंटोनिम, एंटोनिम यानी कि आपको ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बताना है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग वाला। अब बताया गया ड्रास्टिक, ड्रास्टिक मतलब क्या, नाटकीय तौर से अचानक एकाएक, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रास्टिक। तो ड्रास्टिक का जो बिल्कुल उल्टा होगा क्या होगा, बहुत ही प्लान सोच समझ के संभल के। तो इसका जो एंटोनिम है गाइस वो क्या है आपका, कॉशियस। इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, कॉशियस यानी बहुत सोच समझ के धीरे धीरे। नेक्स्ट गाइस मेरे पास यूनिक, यूनिक यानी जो अपने आप में बिल्कुल अलग हो। अगर कोई चीज अपने आप में बिल्कुल अलग है, हटके है, तो कुछ उसका ऑपोजिट क्या होगा, जो चीज क्या है बिल्कुल सामान्य है, कॉमन है, तो गाइस इसका आंसर होगा बी, दैट इज ऑर्डिनरी। इसका आंसर होगा गाइस बी, दैट इज ऑर्डिनरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको हमें स्पेलिंग पहचाननी, स्पेलिंग की तैयारी आपको करना है, खुद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। हाँ मैं कुछ सेशन लेके आऊंगा जो कुछ रूल्स या कुछ ट्रिक्स हैं स्पेलिंग्स को याद करने के लिए। फिलहाल के लिए आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा सही स्पेलिंग है। तो ये है आपकी सही स्पेलिंग सी, एमेच्योर। एमेच्योर यानी नौसिखिया होता है, जो किसी काम में नया नया हो। नेक्स्ट होता है सर्वेंट, तो अगेन गाइस सर्वेंट की जो सही स्पेलिंग है गाइस वो है आपकी बी, एस ई आर वी ए एन टी, दैट इज सर्वेंट। अब ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। कहता है कि डू एज डायरेक्टेड, इनका पूरा का पूरा ग्रामर निचोड़ के पूछ लेगा आपसे, पूरा पूरा ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी जो क्वेश्चन दिया गया इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। कहता है मिस्टर ठाकुर टीचेस अस ग्रामर, मिस्टर ठाकुर टीचेस अस ग्रामर। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो जो मिस्टर ठाकुर है गाइस वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अगर आपका सब्जेक्ट टीचेस आपका क्या है गाइस, वर्ब है, और अस और ग्रामर यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। आपको ये पता लगाना है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। गाइस जब मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, तो ये टीच क्या कर रहा है, ग्रामर टीच कर रहा है। तो जो ग्रामर है गाइस वो मेरा क्या है, वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा जब भी आप नरेशन करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करिए। तो जो आपका ग्रामर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो अस है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दैट इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आपको बनाना हो, पहले तो टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो जो फॉर्मूला फॉलो करेगा वो क्या फॉर्मूला फॉलो करेगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मूला फॉलो होने वाला है, ठीक है जी। तो मैं कहता हूं मिस्टर ठाकुर टीचेस अस ग्रामर, अगर इसका पैसिव बनाया जाए, नहीं मैं क्या करूं, पहले अस को ले जाओ, तो मैं क्या बोलूंगा, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर ठाकुर। आंसर क्या बनेगा, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर ठाकुर, ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, वो कहता है चेंज इनटू, तो इसका आंसर हमने क्या बनाया था, इसका आंसर हमने बनाया कि वी आर टॉट ग्रामर, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर ठाकुर, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर ठाकुर, बाय मिस्टर ठाकुर, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर ठाकुर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस का इनडायरेक्ट बनाते हो पैसिव वॉइस, तो आप पहले क्या करते हो, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको आगे लेके जाते हो, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको बाद लगाते हो, ठीक है। अब आइए, शी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे, शी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे, ठीक है। अब ये क्या गाइस, आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में यानी नरेशन में बदलना है। तो देखिए क्या होगा, शी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सेड टू ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है तो ये हिम क्या बन गया, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी क्या, इस वर्ब का
ऑब्जेक्ट बन गया। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट बनता है तो आपका जो सेट टू है वो बदलता है अलग अलग रिपोर्टेड वर्ब में, जैसे asked, inquired, है ना, डिपेंड करता है सेंटेंस का भाव क्या है, सेंटेंस आपसे क्या पूछना चाह रहा है, उसमें चेंज हो जाता है। तो why don't you go today, तो why जो है आपका ये W फैमिली का वर्ड है, क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी क्या यहां पे आपको दैट नहीं लगाना, आपको why से ही शुरुआत करनी है, आपको why को ही यूज करना है एज अ कंजंक्शन। तो आपका जो आंसर बनेगा गाइज वो क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा, आपका आंसर बनेगा she asked him why he didn't go, why he didn't go today का क्या बन जाता है that day। क्या बोलते उसको that day, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा she asked him why he didn't go that डे, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो इसको हमें क्या करना होता है पास्ट में चेंज करना होता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट में ये चेंज हो जाता है, और जो टुडे है वो चेंज हो जाता है दैट डे में, ठीक है जी। आगे चलते हैं, मैंने कहा शी इज वीकर देन शी शुड बी, कहता है सेंटेंस में बदलाव करो और टू का इस्तेमाल करो सेंटेंस में। अब देखिए जो टू है गाइज बेसिकली वो आपका क्या होता है एक एडवर्ब होता है, और एक ऐसा एडवर्ब है गाइज ये एक नेगेटिव एडवर्ब है, नकारात्मक भाव को शो करता है, ये एक नेगेटिव एडवर्ब है और क्या दिखाता है आपको नकारात्मक भाव दिखाता है। तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा शी इज टू वीक, इसका सिंपल आंसर क्या होगा शी इज टू वीक, ठीक है। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है चेंज द डिग्री, यानी ये आपका एडजेक्टिव का क्वेश्चन पूछ लिया उसने, और एडजेक्टिव क्वेश्चन पूछते क्या कह रहा है, कहता है कि चेंज द डिग्री, यानी यहां पर जो क्वेश्चन है उसकी डिग्री को आप क्या कर दो चेंज कर दो बदल दो। अब यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ है स्वीटर देन, क्वेश्चन में जो आया है वो क्या है स्वीटर देन, तो ये है कंपैरेटिव डिग्री, तुलना कर रहा है, और मुझे करना क्या है मुझे इसको बदलना है किस में पॉजिटिव डिग्री में, मुझे इसको चेंज करना है किस में पॉजिटिव डिग्री में। तो कहता है कि हनी इज स्वीटर देन मिल्क, तो यहां पे क्या होगा मिल्क इज, इसका जो आंसर करेंगे हम लोग क्या लिखेंगे इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा हमें, मिल्क इज नॉट सो स्वीट एज हनी, ठीक है। आपने क्या किया एस डैश एस लगा दीजिए, या अगर नॉट लगा हो यहां पे तो आप यहां पे सो का इस्तेमाल भी कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा मिल्क इज नॉट सो स्वीट एज हनी, यानी क्या इसमें इस संदर्भ क्या निकल के आ रहा है, संदर्भ यही निकल के आ रहा है कि जो हनी है वो मिल्क से ज्यादा मीठा है। अब आगे चलते हैं, अब आपसे जेंडर का क्वेश्चन पूछ लिया सर, आपसे पूछ लिया है जेंडर का क्वेश्चन, है ना, क्या कहता है ट्रेटर का फेमिनाइन बताओ, फेमिनाइन यानी क्या इसका जेंडर चेंज करो, तो ट्रेटर का क्या बनता है ट्रेटरेस, ट्रेटर का क्या बनता है फेमिनाइन ट्रेटरेस। ट्रेटर होता क्या है, ट्रेटर होता है जो बंदा धोखेबाज हो, जिसने अपने देश के साथ या अपने राजा के साथ कुछ धोखेबाजी की हो उसको हम बोलते हैं ट्रेटर। अब ओएसएस का प्लूरल क्या होता है, ओएसएस का प्लूरल होता है ओएसएस, यानी ईएस लगा दीजिए ओएसएस, ठीक है, ये इसका प्लूरल फॉर्म, यानी प्लूरल फॉर्म पूछा गया था तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है ओएसएस का ओएसएस होता है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, अगर नहीं समझ आया क्वेश्चन बॉक्स में हमें कमेंट करिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे आपको, ठीक है जी। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अब आपको क्या करना है फिलर्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, वर्ड गिवन इन द अल्टरनेटिव्स, ये क्या है फिलर्स है, देखते हैं इसमें भी अगेन क्या है तो फिलर्स लेकिन इस्तेमाल किसका होगा पूरा ग्रामर का, तो लोग सोचते हैं हम ग्रामर क्यों पढ़े, या तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा रहे, फिल इन द ब्लैंक्स आप तभी कर पाओगे जब आपको ग्रामर की नॉलेज होगी। कहता आइदर राहुल और विक्की फॉरगॉट टू टेक हिज, अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास सेंटेंस में आइदर आ जाता है, ठीक है जी, या नाइदर आ जाए, आइदर आ जाए या नाइदर आ जाए, तो हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं दो में से एक, इसमें जो बात होती है किसकी होती है दो में से एक की बात होती है। तो इसीलिए जब भी आपको वर्ब लगाना हो इसके बाद तो हमेशा जो वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब होता है, और उसके अलावा जो आप पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं सर, इसके बाद जो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव आता है उसमें भी आपको क्या लगाना पड़ता है सिंगुलर, जैसे आपने बोल दिया हिज, आपने बोल दिया हर, आपने बोल दिया माय एसेट्रा, तो आपका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए। अब कहता है आइदर राहुल और विक्की फॉरगॉट टू टेक, अब यहां पे देखिए देयर ये आपका प्लूरल एडजेक्टिव है तो ये तो आंसर नहीं होगा, है ना, देयर्स आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है तो ये भी आंसर नहीं होगा, वंस नहीं होगा क्योंकि वर्ब जब स्टार्टिंग में आपका सब्जेक्ट वन का काम करता तो आप एडजेक्टिव यूज करते हो वंस, तो यहां पे ऑप्शन क्या बचा आपके पास बी, वो क्या होगा हिज, आइदर राहुल और विक्की फॉरगॉट टू टेक हिज पेन। आगे चलते हैं, मैंने कहा 6 किलोमीटर
डैश और लॉन्ग डिस्टेंस, जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहा है यानी किसकी बात कर रहा है, एक अमाउंट की बात कर रहा है यानी क्या, एक डिस्टेंस की बात कर, जब डिस्टेंस की बात करते हो और वो डिवाइड नहीं होता तो उसके साथ लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जब भी हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं एज अ अमाउंट एज अ संख्या तो उसके साथ लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो 6 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहां पर इज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, जो लोग बैठ के सुन रहे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबली यानी क्या होता है, जमावड़ा। किसका जमावड़ा, श्रोताओं का, लिसनर्स यानी श्रोताओं के जमावड़े को आप क्या कहेंगे। देखिए जो मॉब होता है वो गुस्सा हुई भीड़, वो तो होगा नहीं। क्राउड यानी लोगों की भीड़ होती है, ये तो होगा नहीं। स्पेक्टेटर्स होते हैं जो बैठ के कोई चीज देखते हैं, बैठ के कोई चीज खेल या उसका मनोरंजन का लाभ उठा रहे, तो स्पेक्टेटर्स होगा नहीं। इसमें क्या होगा, ऑडियंस। क्या होगा, ऑडियंस, जो बैठ के आपकी सारी बात सुनते हैं उनको हम लोग कहते हैं गाइस ऑडियंस। स्पेक्टेटर्स क्या होता है, स्पेक्टेटर्स यानी देखना, जो कोई चीज देखते हैं। ऑडियंस क्या होता है, जो देखते सुनते सारी चीजें, है ना, आपकी बात को सुनते हैं, जैसे आप मुझे सुन रहे हो तो यू आर माई ऑडियंस। नेक्स्ट, कॉपी इन द एग्जामिनेशन इज डैश एक्ट। कॉपी यानी देखिए जब आप किसी की नकल करते हैं, कोई आप पेपर लिख रहा है, आप उसके पेपर को देख के अपने पेपर में आंसर लिख रहे हैं, उसके आंसर को कॉपी कर रहे हैं, तो ये कैसा काम है, ये कैसा काम है देखते हैं जरा। मॉर्टल यानी क्या, जिसकी मृत्यु हो सके, तो मॉर्टल की बात तो कर ही नहीं रहे। इमॉर्टल यानी जो अमर है, अमर की बात तो कर ही नहीं रहे। अब कहते हैं इमॉरल और इमॉरल, अब दोनों में से इमॉरल गलत होता है, इमॉरल सही होता है। इमॉरल यानी क्या, गलत। मॉरल यानी जो सही होता है, और इम का मतलब होता है नॉट, यानी जो सही नहीं होता। तो कैसा एक्ट है, इमॉरल एक्ट है जो कि सही नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वी आर जस्टिफाइड इन एक्यूजिंग हिम डैश थेफ्ट। अब देखिए हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की, है ना, हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी फ्रेजल वर्ब की। फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि जब आपके पास कोई वर्ब प्लस प्रेपोजिशन आ जाए और दोनों मिलकर एक्शन दिखाए, जब आपके पास कोई वर्ब प्लस प्रेपोजिशन आ जाता है और दोनों मिलकर क्या दिखाए, एक्शन दिखाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोई वर्ब आता है एक्यूज, तो एक्यूज के साथ ऑफ का आना अनिवार्य है। तो अगर आपके पास कभी भी वर्ब आता है एक्यूज तो उसके साथ ऑफ का आना अनिवार्य है। तो मैं क्या बोलूंगा, वी आर जस्टिफाइड इन अक्यूजिंग हिम, ऑप्शन आएगा डी, ऑफ, अक्यूजिंग हिम ऑफ, बराबर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, ये तो मैंने बता दिया। An honest man is dash noble work of God. Honest man is dash a noble work of God. तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप? आपको आर्टिकल यूज करना है, ए एन द या नो आर्टिकल, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं चाहता हूं आप इसका आंसर ना कमेंट के बॉक्स में दें, है ना, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं आपको वहां पर डिस्कस करूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये काम एक आप, मैंने आपके लिए छोड़ दिया, है ना, इसका आंसर आप मुझे बताइए। नेक्स्ट, बुक्स वेयर लाइंग डैश द कर्टन। अभी जो कर्टन होता है वो क्या होता है, पर्दा होता है, तो पर्दे के नीचे बुक तो रहोगा नहीं। जब भी पर्दा का काम क्या होता है, अपने पीछे किसी चीज को छुपाना, हमें जब कोई छुपानी होती है हम लोग क्या करते हैं, पर्दा करते हैं। तो वहां पर देखिए, आफ्टर अंडर बियॉन्ड नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा, बिहाइंड, बिहाइंड यानी के पीछे। तो कर्टन के पीछे क्या थे भाई, बुक्स पड़े हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। अब ये एक मुहावरा, एक idiom है, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, ये एक मुहावरा है। अब कहता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कहता है टू चेंज वन ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट अ न्यू वन, टू चेंज कंप्लीटली वन्स कोर्स ऑफ एक्शन। यानी आप कुछ कर रहे थे, आपने बिल्कुल उसको बदल दिया, चेंज कर दिया, उसको बोलते हैं टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। देखिए ए बी सी डी में से आपको बताना है कि टू टर्न ओवर न्यू लीफ यानी क्या, नई शुरुआत करना। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब होता है नई शुरुआत करना। तो यहाँ पे हैबिट्स की बात तो हो नहीं रही है, ठीक है, अपनी गलती छुपाने की बात नहीं हो रही है, प्रॉब्लम शिफ्ट होने की बात नहीं हो रही, तो क्या होगा इसका आंसर, ए, टू चेंज कंप्लीटली वन्स कोर्स ऑफ एक्शन, यानी अपना काम बिल्कुल बदल देना, चेंज कर देना, दैट इज टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब आइए गाइस, ये आपके पास क्या है, एक पैसेज है, आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये एक पैसेज आपके सामने है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इन द होली टाउन ऑफ काशी देयर लिव्ड अ वीवर नेम्ड नीरू एंड हिज वाइफ नीमा। काशी नामक एक पावन जगह पे एक बुनकर, वीवर यानी क्या होता है, बुनकर, ये जो वर्ड आपका वीवर इसका मतलब होता है बुनकर, एक बुनकर रहता था जिसका नाम था नीरू और उसकी पत्नी का नाम था नीमा। दे हैड नो चिल्ड्रन एंड दिस मेड देम वेरी सैड, उनकी कोई संतान नहीं थी जिससे वो बहुत उदास रहते थे। वन डे दे फाउंड अ बेबी लाइंग ऑल अलोन बाय द साइड ऑफ अ टैंक। एक दिन एक टंके किनारे उन्हें एक बेबी मिला, एक बच्चा मिला जो बिल्कुल अकेला वहां पे पड़ा हुआ था। सो दे ब्रॉट इट होम थिंकिंग दैट समर वुड कम लुकिंग फॉर इट एंड आफ्टरवर्ड्स, उसको लगा कि वो उस बच्चे को घर उठा लाए, उनको लगा कि कोई ना कोई तो इस बच्चे को ढूंढता हुआ हमारे पास आएगा जरूर, ठीक है। बट नो वन केम टू टेक द बेबी, लेकिन बच्चे को लेने कोई नहीं आया।
सो द कैट फॉर इट वेरी लविंगली, तो उन्होंने उसको बहुत प्यार से उसका पालन पोषण किया। द बेबी ग्रू टू बी अ फाइन बॉय एंड नीरू एंड हिज वाइफ कॉल्ड हिम कबीर। तो भाई जो लड़का है वो बड़ा हुआ बहुत ही अच्छा नेक लड़का बना, बहुत ही नेक बच्चा बना। तो भाई नीरू और उसकी पत्नी ने उसका नाम रख दिया कबीर। एज कबीर ग्रू ओल्डर ही लर्न फ्रॉम नीरू हाउ टू वीव एंड मेक क्लोथ। जैसे कबीर बड़ा हुआ उसे अपने माँ से, अब उसने अपने पिता से सीखा कि भाई बुनाई कैसे करते हैं और कपड़ा बनाना सीख लिया। बट ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट रिलीजन, लेकिन उसका ज्यादा ध्यान ज्यादा रुचि धर्म के बारे में सीखना था। ही लव टू टॉक टू साधुज एंड फकीर्स एंड लर्न फ्रॉम देम। वो साधु से फकीरों से बहुत ही वार्तालाप करता और उनसे सीखने का पूरा प्रयास करता। एट लास्ट कबीर वॉन्टेड टू हैव अ प्रॉपर गुरु और टीचर फ्रॉम होम ही कुड लर्न बेटर। अंत में कबीर की इच्छा हुई कि मेरे पास एक गुरु को मैं समर्पित हो जाऊं जिनसे मैं सारी कुछ चीजें और बेहतर तरीके से सीख पाऊं। एट दिस टाइम देयर वाज अ फेमस हिंदू सेंट अ होली मैन नेम स्वामी रामानंद, और उस समय में एक बहुत ही महान साधु हुआ करते थे, उनका नाम था स्वामी रामानंद। कबीर हैज ग्रोन अप इन द होम ऑफ नीरू एंड नीमा हु वर मुस्लिम्स। जो कबीर बड़ा हुआ था वो नीमा और नीरू के घर में पला बड़ा था जो कि मुसलमान थे। ही थॉट दैट रामानंद हु वाज अ हिंदी वुड नेवर अग्री टू बिकम हिज गुरु, सो ही मेड अ प्लान। तो उसको लगा कि रामानंद जो कि एक हिंदू साधु थे वो कभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो कबीर ने एक अपना प्लान बनाया, एक सोच रची। रामानंद यूज टू कम वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू बेथ इन द गंगा रिवर विच इज द होली रिवर ऑफ द हिंदू। सो वन मॉर्निंग वाइल इट वॉज स्टिल डार्क कबीर वेंट एंड ले डाउन ऑन वन ऑफ द स्टेप्स विच वेंट डाउन टू द रिवर। ही न्यू दैट रामानंद वेंट डाउन दैट वे एवरी मॉर्निंग। तो रामानंद जो थे वो गंगा नदी जो हिंदुओं की पावन नदी है उसमें रोज स्नान किया करते थे। तो एक सुबह जब अंधेरा ही था और अभी उजाला नहीं हुआ था, कबीर जाके क्या करते सीढ़ियों पे लेट जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था जो रामानंद थे वो उसी रास्ते से ही हर रोज नहाने के लिए जाते थे। वन रामानंद केम द सन हैड नॉट राइजन येट एंड सो ही डिड नॉट सी कबीर। एज ही वेंट डाउन द स्टेप्स ही ट्रॉड अपॉन कबीर इन सरप्राइज रामानंद क्राइड आउट रामा रामा। तो रामानंद जब जा रहे थे तो अभी सूरज उगा नहीं था, ठीक है, इसलिए वो कबीर को नहीं देख पाए। जैसे वो सीढ़ी से उतरने लगे वो उसके ऊपर पैर रख देते हैं कबीर के ऊपर और चौंक के चलाते हैं रामा रामा और पीछे अपना कदम लेते हैं, स्टेप बैक पीछे अपना कदम लेते हैं। कबीर जंप्ड अप एट वंस एंड कॉट रामानंद फीट सेइंग यू हैव गिवन मी द मंत्रा ऑफ रामा रामाज नेम सो आई एम योर डिसाइपल एंड यू आर माई गुरु। तो तुरंत झपट के कबीर रामानंद का पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपने अभी अभी मुझे गुरु मंत्र दिया है जो कि राम का नाम है, तो अब से मैं आपका शिष्य और आप मेरे गुरु। तो ये आपका था कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है जी। इसका आंसर हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं, इसके क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करते हैं। हु फाउंड बेबी कबीर, भाई कबीर को किसने ढूंढा था? तो किसने ढूंढा था भाई? नीरू और नीमा ने ढूंढा था। वेयर वॉज द बेबी लाइंग, बेबी कहां पड़ा हुआ था? बिसाइड अ टैंक, एक टैंक के बगल में वो बच्चा पड़ा हुआ था। What did the young Kabir love to do? जो यंग कबीर था उसको क्या पसंद था? उसको साधु से और फकीरों से पढ़ना ही सीखना पसंद था। Why did Kabir go and lie down on the steps going down the river? कबीर क्यों जाके उन सीढ़ियों पे लेट जाता है जो नदी तरफ जाती हैं? क्यों? ताकि उसने क्योंकि उसने एक प्लान रचा था ताकि वो रामानंद को अपना गुरु बना सके और उनका शिष्य बन सके। ठीक है गाइस, तो ये था आपका पैसेज, बहुत ही आसान था। देखो अगर आपको पढ़ के समझना आ जाए, उसको इंटरप्रेट करना आ जाए, तो चीजें बहुत ज्यादा आसान बन जाती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता फाइंड आउट द एरर। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्या करना है इसमें? एरर यानी गलतियां ढूंढनी है। तो कहता है नॉट वन ऑफ द चिल्ड्रन हैज एवर सैंग ऑन एनी ओकेजन इन पब्लिक बिफोर। भले किसी भी एक बच्चे ने आज से पहले कभी भी लोगों के सामने गाना नहीं गाया। तो बहुत सिंपल सा एरर है। देखिए जब भी आप हैज और हैव का यूज करते हैं, अगर आप कभी भी हैज और हैव का यूज करते हैं और उसके साथ अगर आपको वर्ब लगाना है तो वर्ब की फॉर्म हमेशा क्या आनी चाहिए? थर्ड। ठीक है जी, अब जरा देखते हैं। मैंने कहा अगर सिंग की मैं बात करूं, जो सिंग है वो आपका क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका जो सेकंड फॉर्म है गाइस वो क्या है? सैंग। जो सैंग है इसका वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और मेरे पास वर्ब बताया गाइस संग। जो संग है गाइस वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें हैज के बाद क्या चाहिए? हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं यहां पे सैंग यूज नहीं करूंगा, मैं यहां पे क्या यूज करूंगा? मैं यहां पे यूज करूंगा संग, हैज संग ऑन एनी ओकेजन। ठीक है जी, यहां पे आपका ये स्लाइड खत्म होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए ताकि तैयारी पक्की हो और इस बार सिलेक्शन निश्चित हो। तब तक के लिए वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।